इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होता है, हम एक स्पेसिफिक जो डीएनए है या फिर जो आरएनए है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसको आगे समझते हैं, स्पेसिफिक डीएनए और आरएनए क्या है। स्पेसिफिक डीएनए आरएनए ऐसे हो सकते हैं, जैसे कि हमें कोई भी किसी भी तरह की डिजीज लगता है कि एक व्यक्ति में है, एक ए पर्सन में कोई डिजीज है, तो हम उस डिजीज को फाइंड करना चाहते हैं। तो हमें लगता है कि यार इस क्रोमोसोम्स में इस तरह की डिजीज मिल सकती है, क्रोमोसोम में कोई डिजीज है, तो उसके लिए हमें स्पेसिफिक क्रोमोसोम पे काम करना पड़ेगा, है ना। और उसमें भी जो डिजीज किसके कारण हो रही है, वो डीएनए के कारण हो रही है, तो स्पेसिफिक डीएनए पे हमें क्या बोलते हैं काम करना पड़ेगा। तो स्पेसिफिक डीएनए को अगर हमें लोकेट करना है या आइडेंटिफाई करना है तो इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन एक टेक्निक है जिसका यूज़ हम करते हैं। इसमें होता ऐसा है कि जैसे कि ये डीएनए सीक्वेंस है एक, तो इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ, ATCG। एक के संग किसके संग बनता पेयर, डबल बॉन्ड से बनता पेपर पेयर, टी और ए का भी डबल बॉन्ड, सी और जी का ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो इस तरह का एक पेयर है, ये एक स्पेसिफिक डीएनए है जो कि किस में है, ऑर्गेनिज्म में है। एक ऑर्गेनिज्म में एक स्पेसिफिक डीएनए जिस पे हमें लोकेट, हमें ढूंढना है, तो हमें इसको ढूंढना है, हमें पता है कि इसका डीएनए सीक्वेंस है। तो एक स्पेशल डीएनए सीक्वेंस हम भी क्या करेंगे, हम लैब में एक अलग डीएनए सीक्वेंस बनाएंगे सेम टू सेम इसके जैसा। अब होगा क्या, जो ये दोनों हैं, इन दोनों के एक इसका एंड क्या है, 5 और 3 प्राइम, ऐसे इसका भी 5 और 3 प्राइम। अब क्या होगा, अब हमने क्या कर लैब में बनाया एक नया डीएनए सीक्वेंस, इसको हम बाद में इस वाले ऑर्गेनिज्म वाले को भी डीनेचर करेंगे और इनको भी हम डीनेचर कर देंगे। डीनेचर करने से क्या होता है, इसके स्ट्रैंड टूट जाएंगे, दैट मीन डीएनए डीनेचर करने के बाद क्या होगा वो देखते हैं। डीनेचर करने के बाद इनका इनका कुछ इस तरह से बन चुका है, ATCG खुल चुके हैं ये और बाकी दूर हो चुके हैं, ये बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं, एक तरह से बॉन्ड ब्रेक हो चुके हैं, चले ये बॉन्ड ब्रेक हो गए हैं सारे। ऐसे ही इसमें भी लैब वाले को मैं डीनेचर करा तो उसके बॉन्ड भी टूट जाते हैं, ATCG। तो यहाँ पर भी जो बॉन्ड थे वो भी बॉन्ड टूट गए, तो दोनों के बॉन्ड टूट गए। तो और अब क्या हो रहा है, अब क्या होगा, जो ये वाला सीक्वेंस है, ये वाला सीक्वेंस और ये वाला सीक्वेंस है ना, इसको हम क्या करेंगे ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड कर देंगे। जो ये हमारा प्रॉब है, प्रॉब इसको कहते हैं, जिसमें हमने लैब में हमने एक आर्टिफिशियली बनाया, इसको हम क्या कर रहे हैं, हम जो हमने आर्टिफिशियली बनाया उसको जो बॉन्ड डीनेचर करने के बाद उसको हम क्या कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म में डाल देंगे। तो अब बाद में होगा क्या, बाद में ATCG और इन्होंने क्या करा, बॉन्ड बना लिया। तो अब क्या होगा, जब ये प्रॉप इसमें जाएगा, प्रॉप इसमें जाएगा तो उसके संग बॉन्ड हो गया। अब बॉन्ड बनने के बाद हमने क्या करा था, प्रॉप में फ्लोरोसेंस मिला रखा था। फ्लोरोसेंस एक तरह का लाइट एमिट करते हैं, तो अभी क्या होगा, जितने भी डीएनए होंगे ना उनमें अलग चमकेगा ये,
और ये अलग चमकेंगे, अलग चमक रहे हैं। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि भैया यही डीएनए जो हमें स्पेसिफिक डीएनए जो आइडेंटिफाई करना था कि भैया ये डीएनए, तो इसका यूज़ इसीलिए होता है। तो इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन में मैंने सिंपली आपको बताया कि एक ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म में हमने एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए और एक लैब में हम सेम टू सेम उसी का अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाते हैं, है ना। जैसे इसका ये था ना, उसका हमने कॉम्प्लीमेंट्री बनाया टी ए जी सी। अब इसको बाद में हमने इसमें डाल दिया, है ना, किसमें, ऑर्गेनिज्म में। और फिर बाद में इन दोनों ने बॉन्ड बनाया, और देन फिर ये बॉन्ड क्या हुआ, एक तरह से आइडेंटिफाई हुआ किसके साथ, फ्लोरोसेंस हमने इसमें जब डाला प्रोब में, ठीक है ना। तो ये इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम स्पेसिफिक डीएनए को ढूंढते हैं, ठीक है ना। यही थी, यही टेक्निक है इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन की। मुझे लगता है कि आपको मेरी टेक्निक समझ में आई होगी, ठीक है। थैंक यू।